देख रहे हैं खबर दिनभर। मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, हमने राजस्थान के हर क्षेत्र में पानी पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस ने लंबे समय से ये RCP योजना को रोकने का काम किया। हम कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम उस बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं, और यह इतनी बड़ी योजना है कि राजस्थान के लगभग 13 पुराने जिले और 21 नए जिलों के लिए एक योजना है, जिसमें पीने का पानी और 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए भी किसानों को पानी मिलेगा। राजस्थान की सरकार ने बजट पेश किया है, जिस पर आम आदमी पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। पालीवाल बोले कि राजस्थान की जनता को उम्मीद थी कि सरकार इस बजट में बिजली सब्सिडी शुरू करेगी, पेट्रोल डीजल सस्ता करेगी, लेकिन जनता की उम्मीद को जनविरोधी बीजेपी सरकार ने तोड़ दिया। पिछली बार बीजेपी ने 10,000 स्कूल बंद किए थे, इस बार महज 50 नए स्कूल खोलने का वादा किया है। बीजेपी का शिक्षा विरोधी चेहरा सबके सामने आ गया। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र में विपक्ष ने आदिवासियों का DNA वाला मुद्दा उठाया। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से इस्तीफे की मांग की। नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली बोले कि जब तक मदन दिलावर अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक विपक्ष उनका जवाब सुनेगा ही नहीं। इसके बाद विपक्ष ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। राजस्थान विधानसभा बजट सत्र में छात्र संघ का मुद्दा गूंजा। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने शून्य काल में छात्र संघ चुनाव पर सवाल पूछा। रविंद्र सिंह भाटी बोले, युवा देश का भविष्य है और युवाओं में राजनीतिक क्षमता का विकास छात्र संघ चुनाव से होता है। छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है। विधानसभा अध्यक्ष सहित प्रदेश के कई नेता इस सीढ़ी से होकर राजनीति में मुकाम बनाए हुए हैं। पिछले 2 साल से छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक को हटाने की मांग को लेकर आज NSUI ने अजमेर के राजकीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी का प्रयास किया, मगर वहां मौजूद क्लॉक टावर थाना पुलिस ने तालाबंदी का प्रयास असफल कर दिया और छात्रों से ताला छीन लिया। झलवाड़ के खानपुर से कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट को निराशापूर्ण बताया। विधायक सुरेश गुर्जर ने बताया कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा विधानसभा में जो बजट पेश किया गया है, इस बजट से हर वर्ग को निराशा मिली है। चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो या महिला, हर कोई इस बजट से खुश नहीं हुआ। आज दिन तक इतिहास में ऐसा पहला बजट है जिसमें हर वर्ग को निराशा मिली है। सुनिए सुरेश गुर्जर ने क्या कुछ कहा। आज दिया कुमारी जी ने राजस्थान विधानसभा में 2024-25 का बजट पेश किया गया। इस बजट में हर वर्ग को निराशा मिली है, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, कोई भी वर्ग इस बजट से खुश नहीं। आज दिन तक के इतिहास में ऐसा पहला बजट है जिसमें हर वर्ग को निराशा मिली है। 125 प्रश्नों के बजट में, विशेष तौर से मैं खानपुर की बात करूं, तो एक भी बिंदु में एक बार भी खानपुर विधानसभा में बजट में कहीं नाम नहीं आया, जबकि कई वर्षों से, कई लंबे समय से राजनीतिक दलों द्वारा, मेरे द्वारा, विधानसभा के लोगों के द्वारा बकानी में महाविद्यालय की मांग की जा रही है, खानपुर और बकानी को नगर पालिका की मांग की जा रही, बकानी को उपखंड कार्यालय बनाने की मांग की जा रही, कई सड़कें खराब हैं, कई गांवों में सड़कें नहीं है, सड़कें बनाने की मांग की जा रही, पुलियाओं की मांग की जा रही है, हॉस्पिटलों में मूलभूत सुविधा नहीं है, हॉस्पिटलों में 50 बेड से 70 बेड बढ़ाने की बात हो, चाहे दहीखेड़ा की बात हो, चाहे पनवाड़ की हो, चाहे खानपुर की हो, चाहे बकानी की हो, बजट में हमें निराशा मिला। ना कोई किसानों का फायदा हुआ, ना कहीं पानी के मुद्दे की अगर बात करें तो सबसे बड़ी खानपुर में जो आगरिया और जो बकानी क्षेत्र में पानी की बात है, दोनों तरफ डैम भरे हुए हैं पर वहां के किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। मंडा और बेल्ट ऐसी कि एक तरफ तो भीमसागर डैम बना हुआ और एक तरफ कालीसिंह डैम बना हुआ, और 40-50 जो उस इलाके के गांव में पूरे सूखे हैं, किसान पलायन कर जाते हैं पानी के अभाव में, दूसरी जगह मजदूरी करना जाते हैं। तो बजट में इस बार कुछ भी नहीं मिला झालावाड़ जिले को। मैं विधानसभा का सच चल रहा पूर्ण जोर तरीके से, मैं विधानसभा में अपने इलाके की बात, झालावाड़ जिले की बात, मेरी विधानसभा के लोगों कि जो मूलभूत समस्याओं की बात को मैं विधानसभा में पुरजोर तरीके से रखूंगा और मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि बजट में सप्लीमेंट्री में इनको जोड़कर जो हमारी जो मांगे हैं, इन मांगों को पूरी की जाए।
झलावाड़ राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन झलावाड़ के तत्वावधान में विद्युत निगमों के कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत GPF खाता आवंटित कराने और CPF कटौती बंद करने की मांग को लेकर मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। सुनवाई से अलग करने के पीछे जज ने निजी कारणों का हवाला दिया। सिसोदिया की जमानत याचिका शराब नीति मामले से उनके खिलाफ दर्ज धन संशोधन और भ्रष्टाचार के मामले से संबंधित है। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि NEET UG मामले में बड़े पैमाने पर कोई धांधली नहीं हुई, ऐसे में दोबारा परीक्षा कराए जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने वायरल टेलीग्राम वीडियो को भी फर्जी बताया, साथ ही कहा कि 2024-25 के लिए संस्नातक सीटों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जुलाई तीसरे सप्ताह से शुरू होगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया। विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों ने आपसी गठबंधन किया। हरियाणा की 90 सीटों में से 37 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बता दें अभय चौटाला गठबंधन के नेता होंगे। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।